चैनल और आज मैं जा रही हूँ भोपाल के लिए बिकॉज दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग भोपाल जाते हैं. मैंने अपने किसी वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी. तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है. हमारा पूरा घर जो है वो वाइंड अप कर दिया है मैंने और बस अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में. और टीनू भी हमारे साथ ही जा रही है तो वो डायरेक्टली ज्वाइन कर लेगी क्योंकि ऑफिस की इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है. तो यस देन बाय. ये है, इसको पूरा मैंने कवर कर दिया है एक बेडशीट से और ये भी पूरा कवर हो गया है बेडशीट से. बाकी चीज़ें ओपन रखी हैं क्योंकि क्लीन करना इज़ ईजी. और प्लांट्स में एक्स्ट्रा पानी दे दिया है, बाकी का पानी भी डलेगा इसमें डेली. तो हम लोगों ने बात कर ली है तो बस यही है. हे गाइस, सो आई एम इन भोपाल और आज है भोपाल का मेरा डे वन, मतलब नॉट एग्जैक्टली डे वन. अभी मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ. 2 से 3 दिन मैं अपनी मम्मी के घर पे रहने वाली हूँ और उसके बाद 4-5 डेज मैं विक्की के घर पे निकल जाऊँगी क्योंकि दिवाली का मेन इवेंट जो है वो मैं विक्की के घर पे सेलिब्रेट करूँगी. ऑल दो हम दोनों के घर बहुत पास पास है, हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, मतलब आई थिंक 2 किलोमीटर्स 2.5 किलोमीटर्स 1.5 किलोमीटर्स भी नहीं, इतना बहुत बहुत कम है. 1.5 किलोमीटर नहीं, 1.5 तो न्यू मार्केट है अपने घर से. 1.5 एग्जैक्ट है. आई विल कैलकुलेट. नो, 2 किलोमीटर्स है अकॉर्डिंग टू मी एंड 1.5 अकॉर्डिंग टू विक्की. विक्की बहुत ज़्यादा ही फेंक रहा है तो 2 किलोमीटर्स है, मतलब 2 किलोमीटर्स के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है. एक स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर है उससे अंदर जाके विक्की का घर आ जाता है तो पास पास है. इनफैक्ट लास्ट ईयर दिवाली पे भी, क्योंकि मेरी फर्स्ट शादी के बाद दिवाली थी ना, तो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी बैड. और मेरे घर में ऐसा होता है कि शुरू से रंगोली मैं ही बनाती आ रही हूँ और मेरी जो पूरी बिल्डिंग है वहाँ पर लड़कियाँ हैं नहीं, शादियों के चली गई हैं नहीं, तो मैं पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक रंगोली बनाती 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 दिन भर मेरा काम यही रहता था. तो सब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस बार कौन बनाएगा, बट माय इन-लॉज ने बोला कि जा कर के यहाँ बनाने के बाद उन लोगों ने हमको वहाँ भेज दिया था तीनों और हम दोनों फटाक से जा करके वहाँ भी बनाए, इधर भी ले आए. ऐसा चलता रहता है, मतलब दिवाली पे पूजा हो जाने के बाद फिर हम इधर चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है. कल भी जैसे मैं मिलने के लिए चली गई थी, आज विक्की आ गए तो वो तो इधर उधर उधर तो चलता रहता है. बस ऑफिशियली मैं अभी यहाँ रह रही हूँ, ऑफिशियली फिर मैं वहाँ रहने लगूंगी, ऐसा होगा. तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह लेने के लिए क्योंकि अभी मेरे घर पे भी काम चल रहा है. फिर मैं जब विक्की के घर में चली जाऊंगी तो मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम देखूंगी. तो जो भी मैं करूँगी वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ससुराल ब्लॉग 1, ससुराल ब्लॉग 2, 3, 4, डे 1, डे 2 ऐसे करके कुछ सोच रही हूँ. अगर कुछ हैपनिंग होता है और नहीं भी होता है तो आई विल ट्राई टू मेक इट हैपनिंग. तो क्योंकि जनरली क्या होता है ना, दिन में आप सो रहे, दिन सुबह काम करा, लंच किया, फिर दिन में सो गए, फिर ऐसे कुछ. तो अगर कुछ 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 मैं करती हूँ, थोड़ा हैपनिंग होता है, तो मैं डेफिनेटली अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग शूट करूँ. जो भी होगा वो आपको सब दिख जाएगा, इसमें सारे ब्लॉग्स मैं अपडेट करूँगी. सो आई विल मीट यू थोड़ी देर में. और भोपाल भी मैं थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दूंगी. भोपाल इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल. एंड कल भी मेरे प्लान्स हैं, परसों भी मेरे प्लान्स हैं, मेरे अभी तो 3 दिन तक के प्लान्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में. टिल देन बाय. वी आर एट इंडोर प्लांट सेक्शन. यहाँ पे इंडोर प्लांट सेक्शन अलग है और आउटडोर प्लांट सेक्शन अलग है. तो हम लोग अभी इंडोर प्लांट सेक्शन में हैं. ऊपर इस तरह से कवर अप किया हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है यहाँ के प्लांट्स में. तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सारे ले लूँ, बट मेरे घर पे इतनी स्पेस है नहीं और मेंटेनेंस थोड़ा सा इधर अच्छे नहीं है. तो क्या बोलते हैं,
तो वी आर स्किपिंग वन पाम ट्री बिकॉज वो बहुत ज्यादा हाइटेड है और कार में इतनी जगह नहीं है. पाम अंदर थोड़ी ना करना, बाहर ही लटका रहेगा, ये बंद थोड़ी ना हो रही है कोई. इसको थोड़ा दबा करके रखो यार, कम से कम वो पानी गल जाएगा, सब सब बैठ जाएगा. तो पानी डाल दो. अभी नहीं डालेगा, कीचड़ हो जाएगा, डालने का तो डाल दूंगा बेटा. धीरे की बात, चलो ठीक है. मिट्टी के वैसे भी इसके ऊपर रखा है, वो डायरेक्ट उस पर नहीं रखा है. सो वी आर डन विद द प्लांट शॉपिंग, ये रही पीछे. और एक्चुअली हम लोगों को जो सबसे बड़ा प्लांट है वो हम लेकर के नहीं आए क्योंकि वो हमारी कार में बनेगा नहीं. तो हम लोग हमारी स्कूटी से आएंगे. मैं आप लोगों को मेरी स्कूटी दिखाऊंगी. बहुत सारी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई हैं और 10th क्लास में ही वो मेरे पास आ गई थी और अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया है. मैं उसको ना बेचने देती हूँ, ना मैं उसको एक्सचेंज करने देती हूँ, ना मैं कुछ करने देती हूँ, क्योंकि मैं चलाती हूँ. चलाती तो हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं उड़ाती हूँ. हाँ मतलब मैं उड़ाती हूँ, ऐसे ये लोग बोलते हैं कि मैं बहुत स्पीड में चलाती हूँ. बट टचवुड मैं चलाती हूँ तो अभी तक मेरी वजह से किसी और का भी नुकसान नहीं हुआ है और मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. मैं अच्छे से चलाती हूँ. इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उड़ाती हूँ. जहाँ उड़ाना चाहिए वहाँ मैं उड़ाती हूँ, मतलब मैं बहुत स्पीड में चलाती हूँ. और जहाँ धीरे चलाना होता है वहाँ मैं धीरे चलाती हूँ, बहुत केयरफुली चलाती हूँ मैं ऐसा. ओके सो अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, मेरे घर जा रहे हैं. फिर यहाँ वहाँ से हम लोगों को हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनसे सर्दी खांसी टॉन्सिल्स ये सब मुझे बहुत, मैं इन सब आपको पता ही होगा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यहाँ से, मतलब मेरे को टॉन्सिल्स का बहुत इशू रहता है. तो उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके पास हम लोग जाने वाले हैं. और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं. विक्की अभी मैं आपको बताती हूँ किस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं. मतलब हमारे आजू बाजू वाले जो साइकिल वाले हैं, जो पैदल चल रहे हैं ना, वो हमसे फास्ट चल रहे हैं. मैं आपको स्पीड दिखाती हूँ. इस स्पीड में गाड़ी चल रही है और आजू बाजू वाली गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चल रही है. वो पैदल चलने वाला भी हमारे से. और मैं पूछ रही हूँ इतना स्लो क्यों चला रहे हो, तो कह रहे मजा आ रहा है. ये क्योंकि मुंबई में इतनी फास्ट लाइफ है तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लो लाइफ जी रहे हैं. इफ दिस मेक्स एनी सेंस. और मुझे यहाँ पर दो तीन लोगों ने टोका है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ. तो मैंने 15 डेज का टारगेट लिया है क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है 23 नवंबर को. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो मैंने तब तक का टारगेट लिया है और मैं वापस से अपने जो पुराना शेप है उसमें आ जाऊँगी. और उसके लिए मैंने अभी बिल्कुल शुगर जो है वो कट कर दिया है. मतलब अभी मैं खाऊंगी घर पे, तो मैं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही यम्मी फूड बनाती है. एंड उनके हाथ का खाना मतलब ऐसा है कि मैं छोड़ती नहीं हूँ. इवन आई ईट गिलगी आल्सो उनके हाथ का. आफ्टर 20 मिनट्स जो रास्ता मैं 5 मिनट्स में कवर कर सकती हूँ, वो रास्ता विक्की ने 20 मिनट्स में. वो रहा अपना घर, वो रहा, वो आ रहा है, वो रास्ता विक्की ने 20 मिनट्स में कवर करवाया. नो वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम इज मनी. आजू बाजू वाले हमको देख के जा रहे हैं, बेवकूफो वाली फीलिंग आ रही है. सब मुझे यहाँ जानते हैं और विक्की ना मुझे एकदम एम्बेरस कर रहा है बहुत ज्यादा. ऐसा कौन चला रहा है यार आज और मेरी सोसाइटी में भी ऐसे चला रहा है. इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि पीछे जो प्लांट आप देख रहे हो उसकी मिट्टी विक्की है गाड़ी में ना गिर जाए. तो वैलिड रीजन. आई एम फीलिंग सो स्टूपिड राइट नाउ. अंदर ले चलो अंदर. हां तो गमला उठाएगा कौन. वही मेरी मम्मी अभी आई नहीं है कॉलेज से. एक्चुअली वो 2 से 2:30 बजे तक आती है. नो मिस्टर ओके. तो ये आ गया है. हे गाइस, कल मैं गई थी डीवी मॉल, जो लोग भोपाल में उनको पता होगा. वहाँ से मैं ये लैंटर्न लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही प्रिटी लैंटर्न है. एक्चुअली ये ऐसा नहीं था, मुझे इस तरह का केसिंग वाला कुछ चाहिए था और वो मुझे दिख गया. और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो LEDs लगी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड. ये प्लास्टिक बल्ब है ये, और उसके ऊपर ये इतनी सी LED स्ट्रिंग लगी हुई थी और जिसकी लाइटिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही थी. और मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मुझे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट चाहिए थी. तो कल हम लोग एक इलेक्ट्रिशियंस के पास गए, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस के पास गए और एक ने हमारा ये पूरा काम कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया. ऊपर से तो ये फिक्सिंग वगैरह सब मैं कर ही लूँगी, हम लोग कर ही लेंगे खुद ही. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है. इसको मैं कैसे लगाऊंगी, कहाँ लगाऊंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगी वीडियो में करके. और जो ये बचा हुआ है ये प्लास्टिक का है, ये इस तरह से ओपन होता है. मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड. होल्ड दिस. क्या ऐसे कैमरा. ओके ओके
तो ये जो है ये प्लास्टिक का है और ये इस तरह से ओपन हो जाता है, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इससे, ये तो इसका कनेक्शन है बट ये स्ट्रिंग चेंज कराऊंगी, बहुत लाइट है, इसमें लाइट्स कुछ दिखती ही नहीं है, और इसका कुछ डेकोरेशन पीस बनाऊंगी। तो जो मैं बना लूंगी वो मैं मुंबई के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो कुछ करवाती हूँ, तो उसके लिए भी वही भैया के पास मैं जाने वाली हूँ। और क्या किया है मैंने, बस यही किया है। और यहाँ पर ये वाला जो प्लांट है वो रख दिया है हम लोगों ने इंडोर में ही। और अभी घर में थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे भी होने वाले हैं, वहाँ पर भी होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली है जो एज यूजुअल हर घर में होता है। मेरे घर में पूरा पेंट वेंट हो गया है और इस बार मेरे घर में पूरा वाइट वॉश हुआ है। और पहले, बहुत पहले हमारे यहाँ वाइट वॉश ही होता था। ये वाली जो वॉल है मैं बताऊंगी बाद में, वहाँ पर मस्टर्ड कलर करवाया था। और इस वाली जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वॉल है यहाँ पर लाइट येलो कलर था और बाकी यहाँ पर क्रीम कलर था। तो अभी हम लोगों ने सब हटा करके और वॉलपेपर्स वगैरह जो है वो लगने वाले हैं सामने, तो वो भी आने वाले हैं। जिनसे जो सिलेक्ट करे हैं वो भी आए नहीं है, भैया के पास अवेलेबल नहीं है जो थीम चाहिए हम लोगों को, तो वो आने वाले हैं। तो वो जब आ जाएंगे, होपफुली मैं जब तक रहूँ तब तक आ जाएँ, अगर नहीं आएंगे तो मैं दिसंबर में एक और राउंड लगाने वाली हूँ भोपाल का, क्योंकि मेरी बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैंने आपको बताया ही था। तो जब तब आ करके मैं आपको टूर करा दूंगी। तो यस, और ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये वाली, इस पर भी अभी कुछ कुछ लगने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हो रहा है, सेटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मैं जब आती हूँ तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी हमारा एक दो एक्चुअली जब हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे तो ये फर्नीचर मोस्टली हम चेंज ही करेंगे, ये सब यहीं रहने देंगे, क्योंकि ये जो सोफ़ा है ये ऑलमोस्ट 12 ईयर्स पुराना है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आएगा नए घर के अकॉर्डिंग। और नए घर में अभी 5 ईयर्स तक तो कोई चांस नहीं है कि शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है और भोपाल में गवर्नमेंट क्वार्टर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मोस्टली जो सर्विस क्लास पीपल है दे आर लिविंग इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ से मेरे पापा का ऑफिस पास है, मेरी मम्मी का कॉलेज पास में है, एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर हर चीज़ की बहुत ईजी है। मेरे जस्ट सामने वाली रोड पर 1.5 किलोमीटर्स में न्यू मार्केट है, मैं न्यू मार्केट के बहुत पास रहती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक 5 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिटी आ जाता है, और इधर ही सेम किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे 10 नंबर मार्केट आ जाता है। तो वी आर लिविंग इन अ सेंटर ऑफ भोपाल, तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत पास में है। तो अभी जब तक वो लोग का रिटायरमेंट नहीं हो जाता है और तब जब उनको लगेगा अब हम फ्री हैं पूरी तरह से, तब हम लोग उस नए घर में शिफ्ट होंगे, तब तक देखते हैं क्या होता है। तो वही है, तो अभी तो फर्नीचर चेंज नहीं हो रहा है ये वाला, तो बस यही है। और अभी मेरी मम्मी कॉलेज से आने वाली है और मैं आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, चल बाय। हेलो, हाय। चलो कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपको भी। विकी की कमेंट्री चालू है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, वही सर्दी खांसी और रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं। और मेरा टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि मेरा काफी टॉन्सिल सेंसिटिव हूँ मैं। कैसी लग रही हो आप अपने कैमरे में? सो राइट नाउ वी आर एट प्लैटिनम प्लाजा सागर गैरे। जो लोग भोपाल में हैं वो रिलेट कर पाते होंगे सागर गैरे को। सागर गैरे इज़ अ वेरी फेमस साइकिल स्ट्रीट शॉप था, जो बट अब वो काफ़ी फेमस हो चुका है, काफ़ी बड़ा उन लोगों ने अपना शॉप बना लिया है। तो हम लोग वहीं पर खड़े सैंडविचेस पैक करवाए हैं, मैंने दो सैंडविचेस जो हैं वो पैक करवाए हैं। अभी तो मैं डाइट नहीं करूँगी, लेकिन जब मुंबई पहुँच जाऊँगी तब मैं डाइट करूँगी, फिट हो जाऊँगी और, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, सब मुझे टोक रहे हैं। देन उसके बाद सागर कह रहे कि हम लोगों ने ये खाया है, और उसी के साइड में शर्मा है, तो वहाँ से विक्की क्रिस्पी नूडल्स पैक करवा रहा है और
वेज मंचूरियन. तो अभी घर जाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो सारी जो फेमस ये दिस इज फ्रॉम सागर गैरे, दिस इज फ्रॉम शर्मा, दिस इज फ्रॉम बीकानेर. तो वी आर हैविंग अ लिटिल लिटिल पार्टी. आ जाओ. हे गाइस, राइट नाउ मैं जा रही हूँ अपने सूट डालने के लिए जो मैंने आपको अपने सूट्स दिखाए थे. यहाँ पर एक शॉप है, नॉर्मल ही, कोई ऐसा बुटीक वगैरह नहीं है, नॉर्मल लोकल सी शॉप है भैया की. मैं उन्हीं के यहाँ से सूट डालती हूँ. मतलब उसके पहले मैं हर अपना सूट चेंज कर करके डालती थी क्योंकि मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी, मेरे सारे सूट्स बिगाड़ दिए जाते थे. बट अभी मैं जिसके यहाँ जाती हूँ वो एकदम परफेक्ट मेरे सूट सिलते हैं, बस अपना मेजरमेंट का दे देते हैं वो सूट और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं उनके, मतलब बहुत परफेक्ट सिलते हैं, मुझे बार बार जाना भी नहीं पड़ता है. तो मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ और क्योंकि उनको पता है कि मैं मुंबई चली गई हूँ तो वो मेरे स्पेशली सिल भी देते हैं, स्टिच कर देंगे. मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी, मतलब दो तीन दिन में मुझे मिल जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आई एम होपिंग सो. सो यस, लेट्स गो. हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी, थोड़ा सा फर्नीचर देखना है तो वो देखने के लिए. और पीछे है मेरी मम्मी, उनका उनको दिखाती हूँ. चलो तुम जाओ कि मैं जाऊँ. फेमस शॉप है सिटी की, हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये 1965 से एग्जिस्ट करती है इसी लोकेशन पे और बहुत बड़ी शॉप थी. इन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है और इन्हीं का शोरूम भी है. तो हम लोग यहाँ पर कलेक्शन देख रहे थे बट काफ़ी कलेक्शन छट चुका था दिवाली की वजह से, तो हम लोगों को एज सच बहुत पसंद नहीं आई. इनकी फैक्ट्री का ही मटेरियल है जो ये यहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है. और आगे की साइड में इनका शोरूम भी है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ. इसका नाम था आई गेस भारत फर्नीचर, ऐसा कुछ भारत फर्नीचर और भारत फर्नीचर ऐसे कुछ नाम था, आई एम नॉट श्योर. यहाँ पर हम लोग गए थे और कुछ चीज़ें हमको थोड़ी ठीक लगी थी बट हम लोगों को इतना हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं लगा तो इसलिए हम लोगों ने कुछ यहाँ से लिया नहीं. आर बैक और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में या फिर कल के दिन. सो टिल देन, बाय.